नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड इन ह्यूमंस. अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ह्यूमंस के अंदर जो न्यू बॉर्न्स हैं वो मेल्स होंगे या फीमेल्स होंगे, वो कैसे पता चलता होता है, किस बात पे वो डिपेंड करता होता है. चलो आंसर के ऊपर आते हैं. फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स. देखो जो फीमेल्स होती हैं ना, जो मदर्स होती हैं, उनके पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं. मेल्स हैव वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम्स. जो मेल्स हैं ना, जो फादर हैं, उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है. ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स. मदर के पास, फीमेल्स के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जो न्यूबॉर्न है ना, वो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, मदर से तो वो एक्स क्रोमोसोम को ही इनहेरिट करेगा. अब फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है, उस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूबॉर्न आगे जाके बॉय होगा या फिर गर्ल होगी. ये फादर के ऊपर डिपेंड करता होता है. मदर की बॉडी में तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दोनों में से कोई भी कैरी फॉरवर्ड हो आएगा तो एक्स ही. फादर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है. अब यहाँ पे एक्स और वाई, इन दोनों में से कौन सा क्रोमोसोम आगे न्यूबॉर्न के अंदर इनहेरिट हो रहा है, उस बात पे डिपेंड करता है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, मतलब वो मेल होगा या फीमेल होगा. वो फादर में से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है, उस बात पे डिपेंड करता है. दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर. सेक्स कैसा होगा, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपने फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहे हैं. अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल. अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होता है, मदर से तो आना ही एक्स है, अगर फादर से भी एक्स क्रोमोसोम ही इनहेरिट होता है तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, एक्स एक्स हो जाएगा, तो फिर जो न्यूबॉर्न है वो गर्ल होगा, गर्ल चाइल्ड होगा. एंड वन हु इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय. और अगर फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होता है, देखो मदर से एक्स आ रहा है और फादर से अगर वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होता है, तो फिर जो न्यूबॉर्न है वो बॉय होगा. क्लियर हुआ आपको. फीमेल्स के अंदर दोनों क्रोमोसोम सेम ही होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है. अब मदर से तो एक्स क्रोमोसोम ही इनहेरिट होगा, बॉय के अंदर भी और गर्ल के अंदर भी, मदर से तो एक्स क्रोमोसोम ही इनहेरिट होता है. फादर से या तो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होगा या फिर वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होगा. तो फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है, उस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूबॉर्न मेल होगा या फिर फीमेल होगा. अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल. अगर चाइल्ड फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा है तो फिर वो गर्ल होगा, क्योंकि मदर से तो एक्स ही आ रहा है, फादर से भी अगर एक्स आ गया तो दोनों एक्स हो गए ना, वो फीमेल्स का होता है, तो जो न्यूबॉर्न है वो गर्ल चाइल्ड होगा. एंड वन हु इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय. और अगर फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है तो फिर जो न्यूबॉर्न है वो एक बॉय होगा. इसको आप ये वाला डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो. देखो फीमेल्स के अंदर तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है. अब फीमेल में से तो आगे एक्स क्रोमोसोम ही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, मतलब जो गैमेट्स बनेंगे उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ही होने वाला है, क्योंकि दोनों ही एक्स हैं, चाहे ये वाला एक्स आए चाहे ये वाला एक्स आगे कैरी फॉरवर्ड हो, आगे इनहेरिट तो एक्स ही होने वाला है ना. लेकिन मेल्स में से आगे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों में से कोई भी इनहेरिट हो सकता होता है. तो जो गैमेट्स बनेंगे ना, गैमेट्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो फीमेल्स में से तो ये एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, मेल्स में से एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है. गैमेट्स बनने के बाद फिर अगले स्टेप में फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फीमेल सेल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, ये फ्यूज होके कंबाइन होके जायगोट बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. अब फीमेल में से तो एक्स नहीं आना है, अगर मेल में से भी एक्स आता है तो दोनों एक्स हो जाते हैं, तो फिर जो न्यूबॉर्न है वो गर्ल चाइल्ड होगा. लेकिन अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है, मदर से तो आना ही एक्स है, अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है तो फिर एक एक्स और एक वाई दोनों अलग अलग हो गए ना, फिर तो जो न्यूबॉर्न है वो एक बॉय होगा.